आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। खबर यूपी के हरदोई से है, जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल बिलग्राम पुलिस ने गाजियाबाद से चोरी किए गए एक ट्रक को बरामद कर लिया है। ये ट्रक पुलिस ने जीपीएस सिस्टम के सहारे बरामद किया। बता दें कि ट्रक की बॉडी को चोर 8 लाख में बेच चुका था और अब ट्रक को बेचने की फिराक में था, जिसे पुलिस ने सफल नहीं होने दिया। बहरहाल पुलिस आरोपी से अन्य गाड़ियों के बारे में पूछताछ कर रही है। पंप इंडियन ऑयल का पंप था, उस पर लॉकडाउन से पहले से ही ड्राइवर छोड़ के भग गया था इसको। उसके बाद आज हम इनको कल निकले थे लेने, तो वहाँ के बराबर में रामगंज चौकी है, मोहनलालगंज चौकी, वो थानेदार ने 4-5 दिन पहले फ़ोन भी करा था, अभी आपकी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, तो इसको ले जाओ रोड पे है। तो हम वहाँ लेने आए थे तो वहाँ मिली नहीं गाड़ी, हम रात से वहीं ढूंढ रहे थे गाड़ी को आसपास, मिली नहीं गाड़ी। हम थाने भी गए, उन्होंने बोला हमारे को तो पता नहीं है। उसके बाद पंप वाले को पूछा, पंप वाले ने मना कर दिया कि हमने भी नहीं देखी। सामने एक चाय की टपड़ी वाला है, उसने बताया कि कल तक तो गाड़ी खड़ी थी। तो फिर हमने क्या इसकी लोकेशन चालू कराई, GPRS लगा हुआ था गाड़ी में, उसकी लोकेशन चालू कराई, लोकेशन से इसके ट्रैक हुआ, इसका फिर पीछा करके यहाँ पे इसको पकड़ा है। और जो इसके पीछे था वो क्या किया? वो नहीं था। है? नहीं था, इसमें कुछ नहीं था, ये ऐसे ही था, खाली ऐसे ही थी। कहाँ से उठाया था ये? बन्नी मोड़ पे बंगाली होटल। सूचना हमें इंस्पेक्टर महोदय द्वारा मिली थी, उन्होंने बताया था कि ऐसी ऐसी गाड़ी है, ये लोकेशन में है, आप जाइए रोशन पर, ये ढाबे वाबे पे कहीं खड़ी है, आप पकड़िए जाके। तो मैंने इसको देखा, ये खड़ी थी, तो मैंने ये देखा तो यही गाड़ी, यही नंबर, इसको बुलाया, बात करी, तो ये कह रहा था मैं वहाँ से ला रहा हूँ, मतलब अजमेर से, तो मैं चलिए थाने ले चलिए, तो इसको रास्ते में ला रहा था मैं, तो ये चलती गाड़ी पे से ही कूद पड़ा। मैंने गाड़ी खड़ी करके इसको जो है दौड़ा के पकड़ लिया, 2-3 खेत निकल गया।